बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो का अनवान है पावर ऑफ माइंड, इंसानी दिमाग की ताकत। इंसानी दिमाग कुदरत का एक अजीम अतिया है जो उसने इंसान को अता किया है, और किसी भी मखलूक के पास ये नेमत और ताकत मौजूद नहीं। यूं तो दिमाग परिंद चरिंद और जानवरों के पास भी मौजूद है, लेकिन उनके अंदर इतनी ताकत और सलाहियत मौजूद नहीं जितनी ताकत और सलाहियत इंसानी दिमाग के अंदर है। आपको तरक्की का ये सफ़र जो आपने इर्द गिर्द नज़र आता है, ये इंसानी दिमाग की ही करिश्मा साजी है। दिमाग को दो बड़े हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक है कॉन्शियस माइंड और एक सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड इंसानी दिमाग का छोटा हिस्सा माना जाता है, जबकि सब कॉन्शियस माइंड इंसानी दिमाग का बड़ा हिस्सा तस्लीम किया जाता है। इसकी सलाहियतें बेशुमार हैं, इसकी ताकतें लामहदूद हैं। सब कॉन्शियस माइंड से काम लेकर इंसानी तारीख ने बहुत बड़े बड़े काम किए, और एक इंसान अपने सब कॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करके बड़े से बड़े काम सर अंजाम दे सकता है। कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड की मिसाल कुछ इस तरह से दी जाती है कि बर्फ़ का बहुत बड़ा तोता जो समंदर में तैर रहा है, उसका बज़ाहिर पानी की सतह पर नज़र आने वाला 10% हिस्सा कॉन्शियस माइंड कहलाता है, जबकि बर्फ़ का 90% छुपा हुआ हिस्सा जो कि पानी के अंदर मौजूद है, जो हमें नज़र नहीं आता, उसको सब कॉन्शियस माइंड से तशबीह दी जाती है। तो यूँ सब कॉन्शियस माइंड जो इंसान का एक छुपा हुआ दिमाग है, लेकिन उसकी सलाहियतें बेशुमार हैं, उसकी ताकतें लामहदूद हैं। कॉन्शियस माइंड के अंदर एनालिटिकल पावर मौजूद होती है। कॉन्शियस माइंड नफ़ा नुकसान में तमीज़ कर सकता है। तमाम फीलिंग्स और इमोशंस भी कॉन्शियस माइंड के अंदर पड़े होते हैं, लेकिन इसकी मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी कहलाती है। इसके बरक्स सब कॉन्शियस माइंड एनालिटिकल पावर नहीं रखता, ये नफ़ा नुकसान में तमीज़ नहीं कर सकता, और इसकी मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। वजदान, इनोटेशन, स्पिरिचुअल कनेक्शंस, हैबिट्स, इन तमाम का तल्लक इंसान के सब कॉन्शियस माइंड के साथ है। तालीक की सलाहियतें, क्रिएटिविटी, इसका तल्लक भी सब कॉन्शियस माइंड के साथ है। सब कॉन्शियस माइंड नफ़ा नुकसान में तमीज़ नहीं कर पाता, इसको जो ऑर्डर, जो हुक्म कॉन्शियस माइंड से मिलता है, या जो कुछ ये कॉन्शियस माइंड से रिसीव करता है, ये अपने अंदर महफूज कर लेता है, और ऑटोमेटिकली वही काम और वही अफाल ये सर अंजाम देना शुरू कर देता है। इंसानी दिमाग की खसूसियत ये है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा ताकत है। एक दिन में एक इंसानी दिमाग के अंदर एक अंदाज़े के मुताबिक 70,000 से लेकर 90,000 तक ख्यालात एक दिन में इंसानी दिमाग के अंदर जन्म लेते हैं, और इंसानी दिमाग एक जगह पे नहीं टिकता है, इसके अंदर बेशुमार ख्यालात होते हैं। अब इन ख्यालात को ऑर्गेनाइज करना, फोकस करना, और इसको एक बाकायदा प्रोग्राम करना, ये इंसान खुद कर सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि इंसानी दिमाग का अपना कोई दिमाग नहीं होता, इसको इंसान खुद दिमाग दे सकता है, इसको इंसान खुद कंट्रोल कर सकता है। एक कामयाब इंसान और नाकाम इंसान का अगर हम मुवाजना करें, तो एक कामयाब इंसान के ख्यालात मुनज़्ज़म होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं और फोकस्ड होते हैं,
जबकि नाकाम इंसान के ख्यालात मुंतशर होते हैं और उसके ख्यालात ऑर्गेनाइज नहीं होते। यही वजह है कि उसके अंदर यकसुई का फुकदान होता है, उसका फोकस नहीं होता किसी चीज पे, लिहाजा वो जिंदगी में नाकाम रहता है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंसान अपने कॉन्शियस माइंड के जरिए ही फोकस कर सकता है, उसको प्रोग्राम कर सकता है और उससे बड़े बड़े काम ले सकता है। आइए देखते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। तीन ऐसी चीजें हैं जिसके जरिए से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। अंताई खुशी के वक्त जो इंसानी रवैये होते हैं, जो जिस तरह से इंसान खुशी के मौके पे रिएक्ट करता है, उसको सबकॉन्शियस माइंड फौरन महफूज कर लेता है। इसी तरह अंताई दुख के आलम में इंसानी रवैये और रिएक्शन, इसको भी सबकॉन्शियस माइंड अपने अंदर सेव कर लेता है। और तीसरी वो चीज़ जो इंतहाई अहम है और जिसके ज़रिए से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं, उसे पॉजिटिव और मुस्बत काम ले सकते हैं, वो है रिपीटेड एक्शंस। वो तमाम काम जो हम बार बार करते रहते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, वो हमारी आदत बन जाती हैं और इंसान की जितनी भी हैबिट्स होती हैं वो सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा होती हैं। आपने देखा कि जो काम हम पहली दफ़ा करते हैं उसको हम फोकस करते हैं। आप ड्राइविंग सीखें, स्विमिंग सीखें या कोई भी काम जब आप जिंदगी में पहली बार करते हैं उसको आप कॉन्शियस माइंड के साथ फोकस करते हैं, उस पर इंतहाई तवज्जो देते हैं और जब वो काम आप बार बार करते रहते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाता है, वो आपकी आदत बन जाता है, फिर आपको उसके ऊपर तवज्जो देने की और फोकस करने की ज़रूरत नहीं रहती है। हम रोज़ाना अपने उन रस्तों से, जिन रस्तों से हम रोज़ाना गुजरते हैं, अपने काम काज करते हैं, अपनी ऑफिस जाते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, अपनी जॉब्स करते हैं, कारोबार करते हैं, तो जब पहली दफ़ा हम अपने किसी काम की मंजिल को रवाना होते हैं वो रास्ता हमारे लिए नया होता है, हम बड़ी तवज्जो के साथ ड्राइव करते हुए जाते हैं, लेकिन कुछ अरसा बाद वही रास्ते हमारे देखे वाले होते हैं और वो हमें याद भी नहीं होता और हम फोकस भी नहीं कर पा रहे होते, हमारा जेहन कहीं और कामों में उलझा होता है, लेकिन हम ड्राइव करते हुए अपने घर वापस पहुँच जाते हैं, क्योंकि आप कॉन्शियस माइंड को ज़रूरत नहीं होती फोकस करने की उस काम के ऊपर, वो काम रिपीटेडली जो हम करते रहते हैं वो सबकॉन्शियस में चला जाता है और सबकॉन्शियसली हम वो काम ऑटोमेटिकली होते रहते हैं और हम वो काम सरंजाम दे लेते हैं। इसी तरह पहली दफ़ा ड्राइविंग सीखते हुए हमें बहुत तवज्जो की ज़रूरत होती है, लेकिन बाद में हम आराम से गाड़ी चला रहे होते हैं और बाकी जहन में ख्याल भी चल रहे होते हैं और खुद बहुत ही हमारा माइंड जो है वो ड्राइविंग को कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसलिए सबकॉन्शियस माइंड को हम खुद प्रोग्राम कर सकते हैं, इसमें जो चीज़ हम डालते जाते हैं वो हमारी आदत का हिस्सा बन जाती है। आप जो भी गोल सेट करें उसको रिपीटेडली दोहराते रहें, किसी कागज़ पे लिख लें और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल दें कि ये काम हो चुका। सबकॉन्शियस माइंड जो है इसकी एक यानी खूबी ये भी है कि ये फ्यूचर को नहीं तस्लीम करता, इससे प्रेजेंट में बात करें कि मैं ये कर चुका हूं, मैंने ये हासिल कर लिया है। और यकीन माने अगर आप इस तरह से इसको प्रोग्राम करें, रोजाना आप उस अपने टारगेट को, उस अपने ड्रीम को, ख्वाब को विजुलाइज करें, उसको सच होता देखें, देखें फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से उस गोल को, उस टारगेट को अचीव करता है। जो आप सोचते हैं, जो आप सिग्नल सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं और बार बार जो है वो आप उसको
सेल्फ अफर्मेशन करते रहते हैं, सेल्फ सजेशन करते रहते हैं, तो उसी तरह का माहौल आपके इर्द गिर्द पैदा होना शुरू हो जाता है, उसी तरह की चीज़ें आपके गिर्द इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं। और इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है कि आप जो सोचते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करता है और फिर वही काम आपको करने पर मजबूर करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड की ताकतें, उसकी सलाहियतें लामहदूद हैं। इससे आप अनलिमिटेड काम ले सकते हैं। इंसानी दिमाग की सलाहियतें लामहदूद हैं। कहा जाता है कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने दिमाग का सिर्फ 6 से 7% हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। आइंस्टाइन जो दुनिया का ज़हीन तरीन इंसान था, उसके बारे में कहा जाता है उसने अपने दिमाग का सिर्फ 14% हिस्सा इस्तेमाल किया, तो इतनी इजादात उसने की। अगर इंसान अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करे तो फिर क्या क्या नहीं कर सकता। इसलिए इंसानी दिमाग की सलाहियतों की कोई हद नहीं है, उसकी वसत की कोई हद नहीं है। ये हमारे ऊपर है कि हम उसको किस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे क्या क्या काम ले सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी मुफीद साबित होगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियो आपको आइंदा भी बर वक्त मिल सकें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।